हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे रिवीजन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ हमारे रिवीजन के अंदर पढ़ा। हम लोग क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट, ठीक है। और अब जो बाकी रह गया था वो था रिवीजन। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर, आइदर वी टॉक अबाउट द लाइव सेशंस और द रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है ना, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर काफी कुछ रिवीजन को खत्म कर लिया। लगभग हमारा 80% ऑफ द रिवीजन हैज बीन कंप्लीटेड इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग हमारे एक और चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, एक और चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, एक और चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वन शॉट, नहीं तो मैक्सिमम टू शॉट वीडियोस के अंदर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। तो इस सेशन में भी और हर सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ इन्हीं सारे टॉपिक्स को, कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करने का है, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बढ़िया है, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा कि आपने देखा अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नोटिस ऑफ सीबीएसई हमारे जितने भी नए सेशंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस होंगे। सारे के सारे टर्म वन एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। और उस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, 6 से 8 चैप्टर जो आपके टर्म वन के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं और हमारा आज का सेशन देखते हैं, जहां पर हम लोग हमारे एक और नए चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली इन वन और मैक्स टू मैक्स इन टू वीडियोस अलोंग विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और विद सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द सेशन, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए फोकस रहेंगे, ठीक है, राइट। हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप लोग हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, ठीक है, जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, ठीक है ना, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। प्रीवियसली इट वॉज 20% फॉर जस्ट अ वीक इन सेप्टेम्बर, ठीक है ना, राइट। तो बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 10%, ठीक है। तो चलिए गाइस, बीइंग एन एजुकेटर मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ज्योग्राफी हम लोग दो तरीके से सेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। वन इज अ यूट्यूब सेशन एंड दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स, राइट, दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स, ठीक है। और दिन में 1 बजे हम लोगों का एक सेशन होता है और रात को 9 बजे हम लोगों का दूसरा सेशन कंडक्ट होता है। दिन में 1 बजे का जो सेशन है दैट कैन बी अ लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। रात को 9 बजे का जो सेशन है, ठीक है, रात को 9 बजे का सेशन दैट इज कंप्लीटली अ लाइव सेशन and it is not a theory session, it is completely based on MCQs only, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ MCQ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के, ठीक है, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज MCQ कंडक्ट करते हैं, प्लस उसके अलावा a combination of two chapters, ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं बुक वन एंड सिमिलर प्रोसेस विद द बुक टू। और जब वो दोनों खत्म हो चुका है हमारा, तो अब हमारे जो सेशंस हैं दैट इज फोकस्ड ऑन टर्म वन एग्जामिनेशन फ्रॉम बोथ द बुक्स वन एंड एज वेल एज फ्रॉम द बुक टू, ठीक है, राइट। चलिए अगर हम लोग बात करें हमारे स्पेशल क्लासेस की,
स्पेशल क्लासेस के अंदर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन. दीज आर द सेशंस ऑन अन अकेडमी एप्लीकेशन. ठीक है, इन दैट विल कवर सिलेबस प्लस एमसीक्यू. यहां के जो सारे सेशंस होते हैं वो 70% फोकस्ड होते हैं सारे के सारे आपके एमसीक्यू प्रिपरेशन के ऊपर, एंड दे आर फोकस्ड 30% ऑन सिलेबस कंप्लीशन. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन विल गो विद द प्लस सेशंस. ठीक है ना, हम लोग प्लस सेशंस के अंदर बाकी बचे हुए 70% सेशंस को कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज ऑन यूट्यूब हम लोग सारे सेशंस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए गाइस, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, जिसके ऊपर आपको मिलेगा डिटेल अबाउट ऑल द एजुकेटर्स. ठीक है ना, राइट, अबाउट ऑल द एजुकेटर्स स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, एज वेल एज यूट्यूब क्लासेस. ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा और भी बहुत कुछ. जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ अवेलेबल होंगी चैप्टर बाय चैप्टर, एज वेल एज उसके अलावा. ठीक है ना, उसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ द नोट्स. ठीक है, उसके अलावा आपको सारे लेटेस्ट अपडेट अबाउट द सीबीएसई एंड टर्म वन एग्जामिनेशन. ठीक है, कनेक्ट कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लिंक. ठीक है, आप उस लिंक से कनेक्ट हो जाएं टू द स्कॉलर्स चैनल. चले अबाउट द टर्म वन एग्जामिनेशन. ठीक है, अन अकेडमी इमर्ज इज पर्टिकुलरली फॉर द टर्म वन एग्जामिनेशन. इट्स अ 90 मिनट एमसीक्यू सेशन based on the MCQ for class 10th maths and science, and for class 12th physics, chemistry, maths and biology. This has been started from 11th of September or her Saturday, Sunday. On every Saturday and Sunday, there will be evening MCQ testers nationwide. ठीक है, right? वहाँ पर आपको मिलता है क्या? पहली चीज़ कि आप कहाँ पर stand करते हैं, all over India rank है. ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के अलावा, ठीक है ना, राइट, रिजल्ट्स विल बी फ्लैश्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ अन अकेडमी. ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है. यू कैन अनलॉक विद यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिंक मिलेगा. एंड फॉर क्लास 11th यहां पर आया है अन अकेडमी कॉम्बैट. अगेन इट इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 11th. ठीक है, अन अकेडमी कॉम्बैट के अंदर, ठीक है, आपको एनरोल करना है. यू कैन यूज द कोड AKJ01 फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, दैट्स अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. ठीक है ना, चलिए, यू कैन कनेक्ट टू आर फ्री कंटेंट बाय यूजिंग द कोड. ठीक है ना, आप हमारे फ्री कंटेंट से कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है ना, राइट, करना क्या है आपको, अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. ठीक है, लॉगिन करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है क्लास 12th और क्लास 11th. मेन्यू बटन पे स्पेशल क्लासेस टॉप मोस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के आपके ऊपर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, जैसे ही आप लोग स्पेशल क्लासेस से कनेक्ट करेंगे, नोटिफाई मी पे जाएंगे, वहां पर आएगा इनवाइट कोड. ठीक है ना, आप इनवाइट कोड के थ्रू हमारा फ्री प्लान ले सकते हैं. ठीक है, अगेन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोड इस्तेमाल करना है AKJ01. ठीक है, बग्स एंड बंटी, राइट, हियर इज अ बग्स एंड बंटी, अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ द लर्नर्स. अगर आपको लगता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो और ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है. ठीक है, राइट, उस लिंक के ऊपर कनेक्ट करें. ठीक है, राइट, जो भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है, उस इन अप्रोप्रिएट कंटेंट को वहां पर आपको नोटिफाई करना है. ठीक है, वंस यू नोटिफाई एंड इट इज फाउंड टू बी इनअप्रोप्रिएट एंड यू आर द फर्स्ट टू रिपोर्ट दैट,
तो आपको मिलेंगे बहुत ही सारे एक्साइटिंग एक्साइटिंग प्राइसेस, ठीक है, राइट। चलिए गाइस, अबाउट द सब्सक्रिप्शन फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी, यहां पर आपको मिलता है लाइव लर्निंग, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। देयर विल बी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज ऑल्सो। और अब जो कोर्सेज इनिशिएटेड हो रहे हैं सारे के सारे, दैट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, दे आर अ शॉर्ट टर्म कोर्स फॉर 4 months to 5 months, they are basically 4 months to 5 months courses, ठीक है। अगर हम लोग अनअकैडमी प्राइसिंग का बात करें तो प्राइसिंग फॉर द 12 months, ठीक है ना, राइट, ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12 plus 2 months एक्स्ट्रा, और वी कैन से 4 months एक्स्ट्रा, ठीक है ना, राइट, प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, ठीक है, एंड यू विल गेट द डिस्काउंट अमाउंट एज 13,500 फॉर 14 और 16 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, राइट, दिस इज द प्राइसिंग ऑफ अनअकैडमी प्लस प्राइसेस, ठीक है। अगर हम लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो यू विल हैव अ पर्सनल मेंटर, नंबर वन, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस विल बी देयर, यू कैन कनेक्ट थ्रू दैट बाय 1-to-1, यानी कि आपको एक तो मिलेगा पर्सनल मेंटर, जो कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट प्रॉब्लम आ रही है, रिलेटेड टू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको टीचर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, राइट, एंड इन दैट सेशन 1-to-1 यू कैन कम्युनिकेट विद दैट टीचर, ठीक है ना, इन 1-to-1 फॉर्म यू कैन कम्युनिकेट विद दैट टीचर, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप अपने मेंटर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, राइट, ये सारा फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर मिलता है, एंड अलोंग विद दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस भी इसी के साथ मिलता है। अगर हम लोग प्राइसिंग का बात करें, ठीक है ना, प्राइसिंग ऑफ दिस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सबसे पहले आपको 12 मंथ्स पे ऑफर्स विल बी सेम, राइट, इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, ठीक है, दैट इज द कोड, तो आपका प्राइसिंग जो कि 28,000 है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द 10% एंड 28,000 माइनस 2800, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक 25,000, only for the 16 months of duration, ठीक है। चले, now बहुत सारे batch courses जो कि अभी recently start हुए हैं, ठीक है, right, and from 18th of September से भी बहुत सारे courses start हुए, ठीक है, MCQ plus batch courses as well as 4th of October से भी batch courses हैं, ठीक है, right, MCQ batch course for commerce, MCQ batch course for humanities, all these courses are for the duration of 5 months to 6 months only, maximum 5 months, ठीक है, right, and MCQ batch courses for science as well, this is for class 12th, and as well as, ऐसा नहीं है सिर्फ 12th के लिए है, for class 11th also, the MCQ and NCERT batch courses for humanities, same day, timings will be different रहेगा, MCQ plus NCERT practice test batches for commerce also, and as well as MCQ plus NCERT practice batch for science also, ठीक है ना, right, इन सब के साथ batch courses यहाँ पर क्या हो रहे हैं, start हो रहे हैं, ठीक है, right, चलिए, भारत की location, world map के अंदर, ठीक है, आप सब लोग पढ़ते हो, आप सब लोग globe देखते हो, this we have already discussed, मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूं क्योंकि हमें प्राइम मेरिडियन से आगे चलने का था, ठीक है ना, तो मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं, लैटिट्यूड्स अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना, एक बहुत छोटा सा रिव्यू दे रहा हूं मैं आपको,
ठीक है ना, बहुत शॉर्ट सा है बेटा, जल्दी जल्दी में इसको बाइंड अप करेंगे, ठीक है ना, इस रिव्यू को, ठीक है, नॉट द क्लास, ओनली द रिव्यू विल गोइंग टू बाइंड अप इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, ठीक है ना, बहुत जल्दी बाइंड अप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस रिविजन सेशंस, ठीक है। देखिए ये अर्थ है, ग्लोब है, ग्लोब के सेंटर से एक लाइन पास हो रहा है जो ग्लोब को दो हिस्सों में बांटता है। ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, और ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है साउदर्न हेमिस्फेयर। दिस इज अ लाइन ऑफ इक्वेटर, दिस इज जीरो डिग्री लाइन। कौन सा लाइन है ये? जीरो डिग्री का लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे लेटे हुए लाइंस बने हुए हैं, दैट इज कंप्लीट 360 डिग्री, इस तरीके से 11 डिग्री के लाइंस बने हुए हैं। हम लोग यहां जीरो से लेके पहुंचेंगे कहां तक? 90 डिग्री तक। और सेम हम लोग जीरो से लेके कहां तक पहुंचेंगे? नीचे भी 90 डिग्री, ठीक है। इन लेटी हुई लाइंस को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना, राइट, लिख दीजिए, ओके। इसी तरीके से यहां पे कुछ लाइनें ऐसी भी हैं जो सीधी हैं। ये सपोज कीजिए एक सेंटर से लाइन पास हो रही है, इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, अगेन इट डिवाइड्स द ग्लोब इन टू पार्ट्स, दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर, And this is Eastern Hemisphere. और ये इस तरीके से चलती है, ऊपर जाके फ्लैट, ये इस तरीके से चलते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स, ये सेंटर, यहां से पूरा एक चक्कर यहां तक का 180 डिग्री, फिर यहां से पूरा चक्कर यहां तक का अगेन 180 डिग्री, तो दो 180 डिग्री का कंप्लीट एक राउंड सर्कल बनता है, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज longitudes, ठीक है। आई होप के दिस लॉन्गिट्यूड पैरामीटर इज क्लियर टू ऑल, ठीक है ना, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कोई इश्यू किसी को नहीं आने वाला है ना, लॉन्गिट्यूड पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है। Here we go. अब चलते हैं अगले पे, ठीक है ना। अगला क्या है? ये हमने पढ़ लिया था लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, वी हैव कवर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, इन द प्रीवियस सेशंस ओनली, ठीक है ना, हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर ही लैटिट्यूड्स वाले पैरामीटर को, लॉन्गिट्यूड्स वाले पैरामीटर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, ठीक है ना, राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए, ओके, हियर वी गो। आपको यहां पे कुछ ज्यादा क्लियर होगा, अभी मैं कुछ एक बहुत छोटा छोटा सा आपको स्टैटिक्स बता देता हूं। जो इक्वेटर है, इक्वेटर, ये इक्वेटर जा रहा है, ये इक्वेटर का लाइन चल रहा है, ठीक है। इस इक्वेटर की लाइन से टोटल दो कॉन्टिनेंट पास हुए, कहने का मतलब है टोटल सात कॉन्टिनेंट्स हैं। देखें आप, नॉर्थ अमेरिका, हियर वी हैव साउथ अमेरिका, हियर वी हैव यूरोप, हियर वी हैव एशिया, सॉरी, दिस इज व्हाट, अफ्रीका, दोनों मिक्स कर गया है ना, हियर वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट वी हैव एंटार्क्टिका, ठीक है, राइट, ओके,
here we go, है ना, देखो ये जीरो डिग्री लाइन और अगेन ये जीरो डिग्री लाइन, भारत को कहा जाता है अब आप इंडिया की यहां पे अगर लोकेशन देखो देखिए मैं बना रहा हूं ये इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड के, ठीक है, सबसे पहली तो ये चीज, ठीक है ना, सबसे पहली ये चीज, ठीक है, अब ये जो इक्वेटर है ये दो कॉन्टिनेंट से पास होती है, पहला कॉन्टिनेंट क्या था, साउथ अमेरिका, और दूसरा था अफ्रीका, ठीक है ना, इंडिया इसके पूरे के पूरे ऊपर वाले हिस्से में आता है, इसीलिए इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, भारत कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है बेटा, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, कौन से हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर, ठीक है, भारत कौन से में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हम उसको एक बार रिपीट रिकॉल सब कर लेते हैं, ठीक है ना, राइट, वी रिपीट वी रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना, तो इंडिया लाइज इन बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, इंडिया लाइज इन व्हाट, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो भारत नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या करता है, यहां पे लाए करता है, ठीक है, अब नॉर्मल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाए करने की वजह से, ठीक है, यहां पे टेम्परेचर भी उसी तरीके का आएगा, सारे पैरामीटर्स भी उसी तरीके के आएंगे, ठीक है, हम धीरे धीरे भारत में कहां बढ़ते जाते हैं, ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं, ठीक है, राइट, और इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड, जीरो डिग्री से ईस्टर्न साइड, ठीक है ना, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट एशिया, क्यों नाम पड़ा, नॉर्थ ईस्ट एशिया, ठीक है ना, राइट, क्या नाम पड़ा, नॉर्थ ईस्ट एशिया, तो ये नॉर्थ ईस्ट एशिया आया कहां से, कहानी यही तो है कि नॉर्थ ईस्ट एशिया आया कहां से, ये नॉर्थ ईस्ट एशिया का जो रिकॉलिंग वर्ड था दैट इज फ्रॉम व्हाट, यहां से आया, इज दैट क्लियर, ठीक है, आई होप दैट दिस विल बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, है ना, ये सबके लिए बहुत अच्छे से क्लियर कट हो चुका होगा कि why it is known as North East Asia, ठीक है, right, okay, now here we go, latitudes is the measurement of distance, ठीक है, it is basically the measurement of distance, हाँ तो भाई हम लोगों को देखना था latitude और longitude, क्या देखना था हम लोगों को देखना था लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, राइट, ठीक है, तो चलिए हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को देखते हैं, किस तरीके से लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बनते हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि इक्वेटर से, देखो ये लेटी हुई लाइन है, कैसी लाइन है, लेटी हुई लाइन, ठीक है ना, तो लेटी हुई लाइन, एल फॉर लेटी हुई, एल ए टी आई, लेटी है ना, तो इसीलिए ये बन गया लेटीट्यूड, ठीक है, तो जितनी भी लेटी हुई लाइन होंगी, ठीक है ना, उन सबको बोलेंगे हम लोग लैटिट्यूड्स, आ जाइए, ये रहा लैटिट्यूड्स, है ना, सारे के सारे, मैं भी यहाँ पे आपके लिए ग्लोब बनाता हूँ, बहुत सुंदर सा बनता है, ठीक है, ये रहा हमारे पास एक ग्लोब, ये अर्थ है, ठीक है ना, समझिए, और ये जीरो डिग्री की एक लाइन यहां से पास कर रही है, इस जीरो डिग्री की लाइन ने, मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ पार्ट, जीरो से ऊपर, जीरो से नीचे साउथ पार्ट, ठीक है, अब हर लाइन को मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया,
तो जितनी भी लेटी हुई लाइनें होंगी दे आर नोन एज लैटिट्यूड्स और वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलेंगी। ये देखिए पैरेलल चल रही है और ये ऊपर तक ऐसे ही पैरेलल चलती चली जाएंगी, ठीक है। दीज आर नोन एज लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये जीरो से चालू हुआ, ऊपर का पॉइंट कहलाता है 90 डिग्री, ठीक है। ये हम ऊपर गए तो दिस इज नोन एज नॉर्थ, है ना, एंड ये नॉर्थ पर पोल है तो दिस इज नोन एज नॉर्थ पोल, ठीक है। ऐसी ही लेटी हुई लाइनें 1-1 डिग्री की, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिएगा, मैं इक्वेटर से चालू हुआ, दिस इज 0 डिग्री लाइन, दिस इज नोन एज इक्वेटर। मैं इक्वेटर से चालू हुआ और मैं नीचे साउथ पोल तक गया जो कि 90 डिग्री पर था, कितने डिग्री था 90 डिग्री, तो मैंने कितनी लैटिट्यूड की लाइनों को ड्रॉ किया होगा सच दैट हर एक डिग्री के लिए एक लाइन बनाई है, ठीक है, राइट। तो ये रहा हमारा नॉर्थ साउथ पोल, कौन सा पोल, साउथ पोल, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए कि भाई कितनी लाइनें मैंने ड्रॉ करी होंगी नीचे जाते टाइम, ठीक है। ये इक्वेटर है ना, तो हमने क्या बनाया, इक्वेटर बना लिया, लैटिट्यूड बना लिया, ठीक है ना। अब बनाएंगे हम लोग लेटी हुई लाइन, अब लेटी हुई बन गई, अब खड़ी हुई लाइन है, ठीक है ना। देखिए खड़ी हुई लाइनों को क्या कहते हैं, आइए हम बोलते हैं खड़ी हुई लाइनों को, ये आई खड़ी हुई लाइन, ये यहां से चालू हुई, पोल से पोल को जोड़ती है, ठीक है, ये एक लाइन सीधी बन गई। इस सीधी वाली लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन जो होता है ये माना जाता है 0 डिग्री और ये प्राइम मेरिडियन लाए करता है इंग्लैंड में, ठीक है। वहां पर इंग्लैंड की एक लैबोरेटरी है ग्रीनविच, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच का मतलब आप ग्रीनविच से कितने आगे चल रहे हैं या ग्रीनविच से कितना पीछे चल रहे हैं, ठीक है। अब इस लाइन ने वापस से ग्लोब को दो हिस्सों में बांट दिया, कितने हिस्सों में, दो हिस्से, एक हिस्सा देखिए ये जीरो, एक हिस्सा यहां, दिस इज नोन एज ईस्ट, और एक हिस्सा यहां, दिस इज नोन एज वेस्ट, ठीक है, ये ईस्ट और ये वेस्ट कहलाता है। अब आप जैसे जैसे ईस्ट में जाओगे आप प्लस की तरफ जाओगे, कितने की तरफ जाओगे बेटा, प्लस की तरफ जाओगे, और जैसे जैसे वेस्ट में जाएंगे हम लोग किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। आगे समझ में, देखो अब ये लाइनें कैसे बनती हैं, ये पैरेलल कभी नहीं होती, ये यहां से निकली और यहां खत्म, ये कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, यहां से निकली यहां खत्म, फिर यहां से निकली फिर यहां खत्म, फिर यहां से निकली फिर यहां खत्म, ठीक है, इस तरीके से चलती हैं। और ये टोटल कितने डिग्री को कवर करती हैं, 180 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड एंड 180 डिग्री ऑन द राइट हैंड साइड। यहां बीच में खड़े हो ये 0 डिग्री, यहां से यूं घूमे और यूं पहुंच गए 180, बिल्कुल इसके पीछे, ठीक है, ये पीछे आ गया, देखो ये आगे था, यूं घूमा और ये पीछे आ गया, दिस इज एंटी पैरेलल, दिस इज नोन एज एंटी पैरेलल, ठीक है, और ये उसका पैरेलल, ठीक है ना। अलास्का, अलास्का में एक पोजीशन है, आप इधर आए तो आप एक दिन आगे, आप इधर गए तो आप एक दिन पीछे, एक दिन का अंतर एक पैर यूं मूव करने से और एक पैर यूं मूव करने से, ठीक है, राइट, आगे समझ में। चलिए तो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, दिस इज नोन एज, अच्छा ये खड़ी खड़ी लाइन ने, दीज आर लॉन्ग, तो ये कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड्स, राइट, लेटिट्यूड्स लेटी हुई लाइन है, लॉन्गिट्यूड्स खड़ी हुई लाइन है। बहुत आसान सा प्रश्न यहां पे क्वेश्चन है, इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट से पास होता है, ठीक है, आपको यह दिख रहा है, सिर्फ कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है। पहला ये रहा साउथ अमेरिका और दूसरा ये रहा अफ्रीका, ठीक है। अब देखिए इंडिया यहां से आगे चलता है, ये रहा इंडिया,
तो इसीलिए हम लोग जब भी टाइम जोन सिलेक्ट करते हैं, कभी किसी ने नोट किया, जितना बुद्धि लगाया किसी ने, क्या कि बोले हम लोग +5:30 सिलेक्ट करते हैं सारे के सारे टाइम जोन में, क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग 5:30 आगे हैं किससे? ग्रीनविच से। ये 0 डिग्री और हम यहां से 5:30 आगे हैं, और आप इस कोने पे पहुंच जाओगे तो हम 6 आगे हैं। तो इसका मतलब इंडिया के एक कोने पर और दूसरे कोने पर टाइम क्या होना चाहिए? हाँ भाई, क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। लेकिन हमने देखा पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम है। अभी वो भी बात करेंगे क्यों पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम है। ठीक है, चलिए हियर वी गो। लैटिट्यूड्स देखते हैं। इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, ऑफ नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के साउथ में। ठीक है, इट इज मेजर्ड विथ 180 इमेजिनरी लाइंस, 180 इमेजिनरी लाइंस, 90 ऊपर और 90 नीचे, 180 इमेजिनरी लाइंस फ्रॉम द सर्कल्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, दीज लाइंस आर आल्सो नोन एज पैरेलल्स। द इक्वेटर इज द लाइन ऑफ 0 डिग्रीज लेटिट्यूड, ईच पैरेलल मेजर्स 1 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर विथ 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। आप 90 डिग्री पे पहुंचे नॉर्थ की तरफ में, ये देखिए नॉर्थ की तरफ में, तो नॉर्थ पोल आ गया। नीचे की तरफ में 90 डिग्री पहुंचे, 90 लाइनें ड्रॉ करी, कहां पहुंच गए आप? साउथ पोल पे। ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे नीचे साउथ पोल है। ठीक है, नीचे साउथ पोल है, आ गया समझ में? ये देखिए, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बहुत आसान है। देखो ये 23 डिग्री की लाइन, और ऊपर जाओगे ये पर्टिकुलर लोकेशन, ये 29 डिग्री। ठीक है, 29 डिग्री 52 मिनट्स, इस तरीके से निकालते। देखिए ये लाइन पास हो रही है, दिस इज ग्रीनविच, ये ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे यहां पर साउथ पोल है, ये इक्वेटर है। ठीक है, यहां पर सन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना, और ये इस तरीके से, ये प्राइम मेरिडियन पास हो रहा है, ठीक है ना, ये अफ्रीका। ठीक है, राइट, देखिए ये रहा प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये इक्वेटर की लाइन, ठीक है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका, ठीक है, ये पर्टिकुलर लोकेशन निकाल रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक चीज और दिखाता हूं आपको, ये ग्लोब पूरा का पूरा, ठीक है, ये 0 डिग्री की लाइन, हमारा इंडिया इससे ऊपर ही आता है, मैप देख लो अभी पता चल जाएगा, इंडिया आ रहा है इससे 0 डिग्री से ऊपर, देखो 0 डिग्री से, ये रहा इंडिया। ठीक है, सबको पता है ना इंडिया कैसा दिखता है, सुंदर सा। ठीक है, जैसे खेतों में कौए को भगाने के लिए खड़े हो जाते हैं ना हम लोग, यूं ऐसे उसको खड़ा करते हैं, तो ऐसे ही खड़े हो जाओ, इंडिया इज सिमिलर टू दिस, बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाओ यूं, तो इंडिया बन गया। ठीक है, राइट, अब देखिए हम इससे बहुत ऊपर है, इक्वेटर से बहुत ऊपर है, इसकी वजह से हमारे यहां इतनी गर्मी नहीं होती। अफ्रीका में इतनी गर्मी क्यों है? इक्वेटर पे लाए कर रहा है, और सन की एनर्जी सबसे ज्यादा तेज यही है, और सबसे कम कहां है? यहां पे आप देख सकते हो आर्टिक रीजन पूरा ठंडा, बर्फ से गिर गया, नीचे एंटार्क्टिक रीजन पूरा बर्फ से गिर गया, ठीक है ना, लेकिन यहां सबसे ज्यादा गर्मी, यहां सबसे ज्यादा गर्मी, ये हीट जोन कहलाता है। ठीक है ना, राइट, क्या कहलाता है? ये हीट जोन, ठीक है ना, राइट। चलिए अभी देखते हैं हीट जोन के लिए भी, आओ ये देखा, अब यहां पे हम 23 डिग्री का एक आर्क बनाते हैं, 23 डिग्री के ऊपर, देखिएगा ये 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, ठीक है, और ये 23 डिग्री नीचे। ठीक है, एक 66 3/4 पे बनता है, ये रहा 66 3/4 और ये रहा 66 3/4, ठीक है ना, ये 66 डिग्री 3/4 34 मिनट्स और ये 23 डिग्री एंड हाफ मिनट। ठीक है, सेम ये रहा 23 डिग्री एंड हाफ मिनट, ठीक है, और ये 66 डिग्री एंड 3/4, ठीक है, इज दैट ओके? अब देखिएगा, ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ऊपर कहलाता है यहां पे आर्टिक,
है ना, आर्टिक रीजन, और नीचे एंटार्क्टिका आता है तो एंटार्क्टिक, ठीक है। अब देखना यहां पे, इसमें भयंकर ठंड है इस रीजन में, 66 डिग्री के नीचे आप जैसे ही पहुंचोगे भयंकर ठंड, ये बिल्कुल फ्रिज जोन कहलाता है। कौन सा जोन कहलाता है ये? फ्रिज, फ्रिज जोन। आप यहां पे जाओगे फ्रीज हो जाओगे, ठीक है। और ऐसे यहां पे भी ये कौन सा जोन कहलाता है, क्योंकि यहां पर सूरज ही बहुत कम देर के लिए आता है, पहली बात। दूसरी चीज, यहां पे इतना कम टेम्परेचर है, बिल्कुल ठंड, तो अगेन ये दिस इज नोन एज फ्रिज जोन। ठीक है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, राइट। अब ये आता है टॉरिड जोन, ठीक है, दिस इज नोन एज टॉरिड जोन। ये टॉरिड जोन ऐसा जोन है जहां पर आपको अच्छी मात्रा के अंदर गर्म टेम्परेचर मिलेगा, अच्छी मात्रा के अंदर, अच्छा। और बिल्कुल अगर 0 डिग्री से पास हो गए तो बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्लाइन होना चालू करेगा। दिस इज नोन एज टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है ना। टेम्परेट जोन मतलब, अब मतलब समझना, यहां पे गर्मियों में गर्मी, ठंड के अंदर ठंड लेकिन कम, और यहां पर बर्फबारी थोड़ी सी लिमिटेड रहती है, अनइवन रहती है। और उसी तरीके से यहां पे ये भी टेम्परेट जोन है पूरा का पूरा सेम ये, ठीक है ना, ये भी टेम्परेट जोन है। अब देखो इंडिया जो है, इंडिया देखना, मैप में देखना, अभी समझ में आ जाएगा। इंडिया जो है देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब आधा इंडिया आता है टॉरिड जोन के अंदर और आधा इंडिया आता है टेम्परेट जोन के अंदर। ऊपर पूरा नॉर्थ पार्ट टेम्परेट जोन में और नीचे का पूरा पार्ट टॉरिड जोन के अंदर, ठीक है। इसीलिए नीचे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ऊपर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है ना, टेम्परेट क्लाइमेट है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है। आगे समझ में, राइट, आई थिंक दिस विल बी क्लियर, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूड इज बेसिकली द मेजरमेंट ईस्ट से लेके वेस्ट, ठीक है, ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन ईस्ट से लेके ऐसे तरीके से यूं चल रहा है, इस तरीके से मेजरमेंट चल रहा है, पूरा 360 डिग्री कवर करता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइंस, ये सब इमेजिनरी है, असली में कोई भी लाइन इनमें से एग्जिस्ट नहीं करती। द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ मेजर इन 360 डिग्री, ठीक है। द मेरिडियन दैट रन्स थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एज द 0 डिग्री लाइन। इनिशियली इट हैज बीन पास फ्रॉम इंडिया, जब अब बहुत पुराना टाइम ले ले, आज से लगभग 6th century, 5th century यहाँ जब थे ना, जब ये भारत से पास होती थी, ठीक है ना। इंडिया इज द सेंटर ऑफ ऑल द थिंग्स, इसीलिए हमारा कल्चर, हमारा ट्रेंड, हमारी सारी चीजें, ठीक है ना, रिलीजन इतना ज्यादा विकसित है, और भारत इसीलिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी है, ठीक है। इज हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड एट 180 डिग्री, इट इज द बेसिस फॉर इंटरनेशनल डेट लाइन, यहां से डेट फिक्स होती है। ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये समय को और दिन को दोनों को मेजर करने के काम में आता है, ठीक है, राइट। देखिए, दिस इज द मोर क्लियर मैप, ये सारे पैरेलल लाइंस, ठीक है, इक्वेटर देखिएगा, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहां पे आर्टिक, ये नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये नीचे एंटार्क्टिक, ठीक है, राइट। ऊपर वाला साउदर्न, नीचे वाला, सॉरी, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला वेस्ट, इधर वाला ईस्ट। इसीलिए इंडिया को बोलते हैं, एशिया को, नॉर्थ, क्योंकि ऊपर है ये, ईस्ट, ईस्ट साइड उल्टे हाथ पर है एशिया, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट एशिया, ठीक है, राइट। आई थिंक दिस विल बी क्लियर, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए, ओके। इंडिया की लोकेशन डिफाइन करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं बेटा, है ना, जो प्राइम मेरिडियन है, अब यहां पर बहुत सारे टाइम जोन आते हैं, ठीक है। देखिए, यूरोप,
ठीक है, अमेरिका यहां पर इटसेल्फ इट हैज 7 टाइम ज़ोन्स। अगर आप इसके एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं, हर डिग्री पे 2 से 5 डिग्री के ऊपर टाइम बदल जाता है, ठीक है। इसीलिए यूरोप के अंदर, ठीक है, इन यूरोप देयर आर 12 टाइम ज़ोन्स, सबसे ज्यादा इन यूरोप देयर आर 12 टाइम ज़ोन्स, पूरे यूरोप के अंदर टोटल 12 टाइम ज़ोन्स है। फिर अगर अमेरिका लें तो यहां पर 7 टाइम ज़ोन्स हैं, ठीक है, राइट। अगर मैं यहां और नीचे साउथ में चला जाऊं, साउथ अमेरिका, इट हैज 5 टाइम ज़ोन्स, ठीक है। अगर हम लोग अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका हैज 3 टाइम ज़ोन्स, ठीक है, इज दैट ओके। अगर हम चाइना की बात करें, ये वाला पोर्शन, यहां एक सिंगल टाइम जोन आता है, इंडिया एक टाइम जोन, ठीक है, राइट, ओके। पाकिस्तान 5, इंडिया प्लस 530 पर आता है, पाकिस्तान 5 पे आता है, इंडिया प्लस 530 पर आता है, ठीक है ना। और अगर मैं नेपाल की बात करूं तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 15 मिनट्स, इंडिया के टाइम में और नेपाल के टाइम में 15 मिनट का अंतर है, और इंडिया के टाइम में और पाकिस्तान के टाइम में आधा घंटे का अंतर है, दैट इज ड्यू टू टाइम मेरिडियन, इज दैट ओके। इसीलिए इसको टाइम मेरिडियन कहते हैं। अब ठीक है, थोड़ी सी बात इंडिया के बारे में कर लेते हैं। इट हैज एन एरिया ऑफ 3.28 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, जो कि वर्ल्ड का टोटल 2.4% है, और भारत विश्व के अंदर 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है ना। अब देखिए एशिया जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, अब देखिए यहां पर ये इंडिया है, ये यहां से लेके पूरा माउंटेन स्ट्रेच चलता है, और इंडिया को पूरा माउंटेन यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। तो वर्ल्ड से, एशिया से, ये जो माउंटेन है, हिमालयन रीजन, इसको अलग करने का काम करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके बाकी तीनों तरफ पेनिनसुलर है, 3-sided, it is covered by water, तो इंडिया हर तरीके से प्रोटेक्ट हो गया, ऊपर माउंटेन से प्रोटेक्ट, नीचे वाटर से प्रोटेक्ट, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब अगर यहाँ की बात करें तो यहां पर पूरा माउंटेन रीजन है, ये यहाँ नेपाल आ गया, दैट इज सैंडविच बिटवीन उत्तराखंड एंड सिक्किम, फिर यहाँ भूटान आ गया, दैट इज सैंडविच बिटवीन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा पूरा माउंटेन रेंजेस है, दीज आर ऑल माउंटेन रेंजेस, पूरा लॉन्ग चेन है माउंटेन रेंज का, ठीक है। अगर मैं उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा थार डेजर्ट, ये पूरा थार डेजर्ट, ठीक है, एक एंड पर, इसीलिए इसको सब ट्रॉपिक कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में सबसे अलग है, इतनी सारी चीजें, इतना वर्सेटाइल है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिस इज नोन एज रैन ऑफ कच्छ, दलदल पूरा, ठीक है ना, दिस इज नोन एज रैन ऑफ कच्छ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो ट्रैक है नीचे साउथ ऑफ हिमालयस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल ट्रैक, इनको बोलते हैं इंडो, इंडो मतलब इंडिया, गैंगटेक, गैंगटेक मतलब गंगा, इंडो गैंगटेक प्लेन, ये वो प्लेन एरियाज हैं इंडिया के अंदर जहां से गंगा रिवर फ्लोरिश होती है और ऊपर से आके गिरती है, इनको बोला जाता है अलुवियल प्लेन्स, प्लेन्स, ये इंडिया के सबसे फर्टाइल ट्रैक्स में से एक है। उसके अलावा देखिए ये पूरा जो बाउंड्री है, ये पूरा, दिस इज नोन एज कोस्टल बाउंड्री, कोस्ट क्या कहलाता है, जिसके एक तरफ समुद्र हो और एक तरफ जमीन हो, उसको बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री। इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वो लगभग 6,500-6,000 किलोमीटर की है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं 2 आइलैंड और जोड़ दूं इंडिया के, अंडमान एंड निकोबार, एंड हियर वी हैव लक्षद्वीप, ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 7,500 किलोमीटर का इंडिया का कोस्टल बाउंड्री है। ये ईस्ट साइड में है इसलिए इनको बोला जाता है ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, और ये वेस्ट साइड में है इसीलिए इनको कहा जाता है वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। दिस इज नोन एज बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, राइट, एंड दिस इज नोन एज अरेबियन, अरेबियन सी, दिस इज नोन एज अरेबियन सी, इज दैट क्लियर, ठीक है। ये इंडिया का एक आउटलाइन मैप। अच्छा एक चीज मैं भूल गया इन बिटवीन,
इन सबके बीच में, ठीक है ना। दिस इज नोन एज पेनिनसुलर इंडिया, ये क्या कहलाता है, पूरा का पूरा पेनिनसुलर डेक्कन प्लेटो जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल अबाउट, ये वो सारा है, पूरे लंबे समय तक सनशाइन को ये लेता है, ठीक है ना। उसके अलावा मॉनसून रेन्स हैं, ये अनइवन रहती हैं, कभी आपको ये ज्यादा मिलेंगी, कभी आपको ये कम मिलेंगी, ठीक है ना। किसी एरिया में ये बहुत ज्यादा होती हैं, किसी एरिया में ये बहुत कम होती है, हाइट की वजह से इन पे फर्क पड़ता है ना। आप जैसे जैसे ऊपर एरियाज में जाएंगे ऑटोमेटिकली रेनफॉल उससे इम्पैक्ट होता चला जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट टू बोरा, इट विल कन्वर्ट टू फ्रॉस्ट, ठीक है ना, राइट, ओके, या ओके। द साउदर्न पार्ट ऑफ कंट्री लाइज विद इन ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट, ऊपर वाला पूरा का पूरा सब ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। दोनों के क्लाइमेटिक कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर। दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशंस इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन। अगर नीचे का मिट्टी देखोगे तो आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा, ऊपर का मिट्टी देख रहे हो तो एल्यूवियल सॉइल है कि नहीं डिफरेंस, ओके। सब ट्रॉपिकल अगर क्लाइमेट्स की बात करें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है गर्म गर्मी, हॉट समर्स एंड माइल्ड विंटर्स, माइल्ड मतलब थोड़ा सा ठंड कम, एंड इनफ्रीक्वेंट, कोई पता नहीं कितना फ्रॉस्ट होगा, ठीक है ना, राइट। इट फ्रॉस्ट इज समथिंग लाइक स्नोफॉल, हल्का हल्का, है ना, राइट। नाउ अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। देखिए अब अगर आप एक चीज नोट करें, यहां पर 68 डिग्री है, कितना डिग्री है यहां पर 68 डिग्री, और अगर मैं यहां नोट करूं तो यहां है 97 डिग्री। अगर ये ग्रीनविच के हिसाब से चले तो यहां पे 5.5 आता है, और ग्रीनविच के हिसाब से चलूं तो यहां पे 6 आता है, मतलब आधे ग्रीनविच का फर्क। कहने का मतलब हुआ टाइम ऑटोमेटिकली 2 घंटे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल ग्लोब 360 डिग्री, 24 घंटे आते हैं, तो इसका मतलब हुआ 1 मिनट का मतलब, यानी कि 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट हो गया, कितना मिनट हो गया 4 मिनट। अगर आप 1 डिग्री चेंज करोगे, है ना, जैसे हम लोग यहां 68 डिग्री पर है, तो 68 से जैसे ही मैं यहां पर 69 पे पहुंचा या पहुंचा, 4 मिनट का अंतर आ गया, यानी कि मैं यहां गुजरात हूं, गुजरात से राजस्थान आया, तो गुजरात से राजस्थान आया तो 4 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का अंतर आ गया। और अगर मैं यूपी चला गया तो बिल्कुल आधा घंटा ही पूरा हो गया। तो अब ये दिक्कत आती, बोले भैया टाइम को कैसे पकड़ोगे, पूरे इंडिया में 2-2 टाइम हो गए। तो उसके लिए हमने एक सेंटर से लाइन पास किया, हमने सेंटर से एक लाइन पास किया, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि 82 डिग्री से पास होता है, यूपी के मिर्जापुर से पास होता है। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ से भी पास होता है, यहां उड़ीसा से भी पास होता है, और ये तेलंगाना सीमांध्रा से भी पास होता है, ठीक है। इसने इंडिया को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया, ये इंडिया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जब इंडिया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो यहां का टाइम और यहां का टाइम अब इक्वल आ जाएगा, दिस इज नोन एज टाइम मेरिडियन। अब हम इसके रिस्पेक्ट में टाइम लेते हैं, आधे पे लाइन आ जाती है तो इधर का टाइम और इधर का टाइम दोनों बराबर। देखो 82 से 15 डिग्री चलोगे तो 97, 82 में 15 कम करोगे तो 68, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इसीलिए ये टाइम मेरिडियन इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और टाइम इसी तरीके से डिसाइड होता है, वरना गुजरात में टाइम 2 घंटे पहले का होता और यहां 2 घंटे बाद का होता, इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखिए, इंडिया ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट अगर मैं जाऊं तो इट इज 2933 किलोमीटर, ठीक है, राइट। इसके अलावा इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज अगर हम देखें यहां पर, ठीक है ना, एक सेकेंड, ओके, हियर वी सी, इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज, यहां पर इंडिया के पास है पाकिस्तान और यहां ऊपर है अफगानिस्तान, ठीक है।
इधर आ गया नेपाल, इधर ऊपर चाइना, यहाँ आ गया भूटान, इधर लेफ्ट हैंड पे ईस्ट में आ गया म्यांमार, यहाँ पे आ गया बांग्लादेश और नीचे आ गया श्रीलंका। ये इंडिया के नेबर्स हैं और इन नेबर्स के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है ना, देखिए नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ के अंदर चाइना, यहाँ नॉर्थ में नेपाल, अगर आप ईस्ट में चले जाएं तो भूटान, ईस्ट में चले जाएं तो म्यांमार और नीचे पहुंच जाएं तो यहाँ पर श्रीलंका, ठीक है, राइट। इंडिया का जो टोटल लैंड है वो 15,200 किलोमीटर लंबा है और कोस्टलाइन 7,500 किलोमीटर की है, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश से हम सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं, दैट इज 4,096 किलोमीटर, उसके बाद करते हैं चाइना से 3,900, उसके बाद करते हैं नेपाल से 1,752, म्यांमार से 1,458 किलोमीटर, भूटान से 587 और इसके बाद हम लोग करते हैं अफगानिस्तान से सिर्फ नूनू सी लाइन शेयर करते, किलोमीटर शेयर करते, दैट इज व्हाट 54 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका को एक लाइन, एक चैनल डिवाइड कर रहा है, दैट इज नोन एज पल्क स्ट्रेट, ठीक है, पल्क बे में आता है, ठीक है। अगर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखू तो ये सबसे नीचे 8 डिग्री और ये सबसे ऊपर 37, इंदिरा कोल ये पॉइंट कहलाता है। और अगर उसके अलावा भी मैं कोई यहां पॉइंट लिखू, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, दिस इंदिरा पॉइंट इज नोन एज 6 डिग्री, ठीक है, ठीक है, दिस इज 6 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आता है सौराष्ट्र 68 और यहां पे आता है हमारे पास ईस्ट पॉइंट, दैट इज 97, अगेन इट इज व्हाट 30 डिग्री डिफरेंस, ठीक है। इस तरीके से इंदिरा कोल टू कन्याकुमारी, रैन ऑफ कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये हुआ हमारा आज का एक और सेशन खत्म, हमने लोकेशन और इंडियन इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड यहां पर पढ़ा, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर के ऊपर, जहां पर हम लोग एक और नया इंटेंस रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो एक या डेढ़ सेशन के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अगला सेशन हम लोग इसका न्यूमेरिकल सेशन लेंगे, ठीक है, एमसीक्यू करेंगे हम लोग इससे, ठीक है, एमसीक्यू इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी फॉर्म हो सकते हैं अलॉन्ग विथ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऑन द मंथ ऑफ द टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ठीक है ना, राइट, ऑन द मंथ ऑफ टीचर्स डे सेलिब्रेशन हमारे यहाँ पर कुछ ऑफर्स प्रिवेलिंग है। अगर आप लोग प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है ना, तो 12 मंथ्स, 15 मंथ्स और 18 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलता है, 24, 36, 48 पे 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, राइट। इसके अलावा अभी प्रेजेंट ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12+4+20% ऑफ, ठीक है, राइट, ऑन द प्राइसेस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10% इट इज 20%। You can download the Unacademy application from Google Play Store and as well as App Store and use the code AKJ01 for the more benefits. ठीक है, तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर स्कॉलर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स अबाउट द सेशंस, ठीक है। तो चलिए, लेट्स क्रैक इट विद Unacademy, वापस से मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन के साथ, जहां पर हम लोग इंडियन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से कॉन्टिनेंट जो एक पूरा पंगामा था, मतलब एक पूरा इकट्ठा था, ठीक है, अब वो अलग अलग हो गया और हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, पहले ये आइलैंड था, नाउ इट बिकम्स अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे किसकी कौन सी थ्योरी है और किस तरीके से वो थ्योरी काम करती है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, हैव अ हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, विल सी यू सून विद द नेक्स्ट सेशन।